breaking news. बिजली की चोरी का विरोध करना मजदूर को पड़ा महंगा। आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर किया था मजदूर व उसके भतीजे को घायल। इलाज के दौरान मजदूर की हुई मौत। बताते चले, बांधखाना में 10 दिन पहले हुए गोलीकांड में एक घायल ने तोड़ा दम। एक की हालात अभी भी नाजुक बनी हुई है। युवक की मौत से इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कराया। पुलिस सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना प्रेमनगर के बांधखाना डोरीलाल फाटक निवासी राजेश कुमार का पड़ोसी सुरेश खंबे से सरकारी बिजली चोरी कर जला रहा था, जिसका उसने विरोध किया। इस पर आरोपी सुरेश अपने साथ प्रेम, राजन, भूरा, जीतू आदि को बुला लाया और सभी ने हथियार